नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नटराज की कुछ विशेषताओं के बारे में। नटराज जो कि एक नाचते हुए प्रसिद्ध देवता हैं, जिनकी मूर्ति हमेशा हमें नाचती हुई नजर आती है। जिन व्यक्तियों को नृत्य सबसे ज़्यादा पसंद होता है तो वह लोग नटराज की मूर्ति रखते हैं और उसे प्रणाम करने के बाद ही अपना नृत्य को दिखाते हैं और उसके लिए वह अपनी विशेषता भी बताते हैं, क्योंकि नटराज एक ऐसी मूर्ति की अवस्था है जिसमें हमें देखने को मिलता है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है जिस व्यक्ति को उस चीज़ की चाह होती है, उस चीज़ को पाने की कोशिश में लगा रहता है। वैसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि नटराज भगवान शिव का ही नाम है और हमने देखा भी है कि भगवान शिव का तांडव, जिसे हम नटराज के रूप में देख सकते हैं, और इसमें हमने क्रोध भी देखा है। भगवान शिव को क्रोधित होते हुए नटराज के रूप में देखा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान शिव कभी भी क्रोधित नहीं होते थे। वह सबसे ज़्यादा नाटक, संगीत और गीत को पसंद करते थे। और भगवान शिव के आज मैं बताती हूँ विशेषताओं के बारे में। नटराज का अर्थ होता है, नट का मतलब होता है कला और राज का मतलब होता है राजा, यानी कि कलाओं का राजा। और भगवान शिव इकलौते ऐसे देवता हैं जिनके पास यह सारे विमुख यानी कि सारी की सारी प्राचीन कलाएँ भी हैं और वह उनके राजा भी हैं। भगवान शिव के तांडव के दो रूप हैं। एक तो वह रूप है जो क्रोध के साथ दिखाया गया है, उसके कारण हम जानते हैं कि क्रोध अवस्था में भगवान शिव पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। लेकिन दूसरा रूप उनका है आनंददायक, जिसमें वह नृत्य करते हुए उस नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। इसका मतलब है वो सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। एक नृत्य पर पूरी सृष्टि हमारी अलौकिक है और उसका उल्लेखनीय बहुत अच्छा है, जिसमें हमें भगवान शिव के उल्लेख के बारे में बताया गया है। भगवान शिव नृत्य संगीत को पसंद करने वाले हैं, जिसे जो कि वह अपने नृत्य के स्वरूप को दिखाते हैं। भगवान शिव की नृत्य की अवस्था में अगर हम देखते हैं तो भगवान शिव के चार हाथ हैं, चारों हाथों में कोई ना कोई चीज तो है, जैसे कि एक हाथ में अग्नि है, दूसरे हाथ में डमरू है और पाँव के नीचे एक बोना है और दूसरा पाँव उन्होंने एक नृत्य की अवस्था में उठा रखा है। यह दिखाता है कि हमारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, दूसरा दिखाता है कि हमारे सृष्टि का विनाश होना तय है। भगवान शिव के क्रोध से हमारी सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। यदि इसका अपोजिट देखा जाए तो भगवान शिव के आनंद में मुख को देखकर हमारी सृष्टि का ही सृजन होता है। भगवान शिव इकलौते ऐसे देव हैं जो कि पूरे सृष्टि के सृजनकर्ता माने जाते हैं और सृजनकर्ता के साथ साथ वह बहुत ही ध्यानवान भी हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी ही कभी भी क्रोध नहीं आता। जब वह क्रोध दिलाया जाए तभी उन्हें क्रोध आता है, वरना वह ध्यानवान में ही रहते हैं। शिव की नटराज की अवस्था को देखकर ही नटराज देवता की अर्चना की जाती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अज्ञान होता है वह अपने ज्ञान को दर्शाने के लिए संगीत और नृत्य को ही साधन बना सकता है। कोई व्यक्ति अपनी विशेषता को बताने के लिए नृत्य या फिर उसके संगीत के माध्यम से ही अपनी विशेषता को दूसरों के सामने या समक्ष रख सकता है। भगवान शिव का यह रूप हमें नटराज की विशेषताएँ बताता है। तो ये है नटराज की विशेषताएँ जो भगवान शिव से ही जुड़ी हुई हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.